हमीरपुर में ब्लॉक कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की बैठक कांग्रेस की जिला अध्यक्ष राजेंद्र झार की अगुवाई में आयोजित की गई, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस की गठित नई कार्यकारिणी को नियुक्त पत्र दिए गए। कोरोना महामारी को देखते हुए ब्लॉक कांग्रेस की बैठक दो फेजों में की जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। इस दौरान पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा, पूर्व विधायक अनीता वर्मा और ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश पटियाल के अलावा कांग्रेस के कई सदस्य मौजूद रहे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र झार ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए आज की बैठक में ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष व महासचिव की नियुक्ति पत्र ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से दिए गए। उन्होंने कहा कि उपाध्यक्ष व महासचिव के पार्टी के प्रति क्या कर्तव्य है उसको लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हमीरपुर की जो मीटिंग थी, ये पूरी मीटिंग नहीं थी। इसमें जैसे जिला कांग्रेस कमेटी ने पहली बार अपनी तरफ से जो नियुक्त हुए पदाधिकारी उनको नियुक्ति पत्र दिए थे, उसी पैटर्न पर इन्होंने भी ये फैसला लिया कि हम भी ब्लॉक स्तर पर जो पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र देंगे। क्योंकि इस वक्त कोरोना संकट चला है तो ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इन्होंने दो फेजेस में इस मीटिंग को करने का मन बनाया है। आज की मीटिंग में इन्होंने जो उपाध्यक्ष बने हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की और जो महासचिव बने हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के, उनको नियुक्ति पत्र ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से दिए गए हैं। आज की मीटिंग तो इस तक सीमित है और जो नेतागण बैठे हैं आपके सामने हैं, इन्होंने अपने विचार दिए और एक गाइडलाइन यहाँ पर उपस्थित जो ब्लॉक के उपाध्यक्ष और महासचिव है उनको पार्टी के प्रति क्या काम, उनका क्या दायित्व है, इसके लिए एक गाइडलाइन नेताओं की तरफ से उन्हें दी गई। वहीं इस मौके पर कांग्रेस की पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने बीजेपी के नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के नेता सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, जिस कारण कोरोना महामारी को फैलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2022 में फिर से सत्ता में काबिज होने के सपने को छोड़कर लोगों में जो कोरोना बीमारी फैली है उसको ठीक करने का प्रयास करे। उन्होंने कहा कि इस महामारी से लड़ने के लिए WHO से काफी पैसा मिला था, इसके अलावा कई लोगों ने इसमें सहयोग राशि दी। इसके बाद भी सरकार डॉक्टरों के वेतन में कटौती कर रही है, जो कि ठीक बात नहीं है। उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि जो नेताओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी जा रही है इसको खत्म किया जाए। कि कोरोना जो है वो हिमाचल प्रदेश में आस्ते आस्ते पीक की तरफ चला हुआ है, क्योंकि पहले जब हमने द्वार खोले थे हिमाचल में लोगों को आने के, तब कोरोना की स्पीड इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई है। लेकिन मैं ज़रूर इल्ज़ाम लगाऊंगी बीजेपी पे कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, बेशक वो मंत्री हैं, बेशक वो बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने आज जो डिस्टेंसिंग है उसकी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा दी हैं और वो लोगों से इतना मिल रहे हैं कि आज की तारीख में यह कोरोना बहुत ही तीव्रता से फैल रहा है। और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जो मंत्री हैं वो भी आज हॉस्पिटल्स में हैं और उनके जो बीजेपी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं उनको भी कोरोना हो चुका है। वो तो बड़े बड़े हैं, उनको कुछ ना कुछ सुविधा मिल जाएगी, लेकिन जो आम आदमी हैं उनको ये कोरोना जो है उससे डर लगता है और वो महसूस करते हैं कि क्या उनको भी उतनी सुविधा मिलेगी जो इन बड़े नेताओं को मिल रही है। तो मैं ज़रूर उनसे आग्रह करूँगी कि आप 2022 की जो तैयारियाँ कर रहे हैं कि हम फिर से सत्ता में आएंगे उसको दरकिनार कीजिए। आप सबसे पहले लोगों के बीच में जो कोरोना है उस बीमारी को ख़त्म कीजिए। आपको WHO से दिल्ली में बहुत पैसा इस महामारी से लड़ने के लिए मिला था, हर स्टेट को मिला हुआ है। आपने लोगों से ही भी पैसा लिया, चंदा दिया लोगों ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिया, यहाँ तक कि डिपार्टमेंट्स ने दिया। तो हमारी आपसे एक बड़ी प्रार्थना है कि खास करके हमारे जो योद्धा डॉक्टर
जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपने रखे हैं और जिनकी तनख्वाहें आपने काटने की कोशिश कर रहे हैं, कृपा कर उनको तनख्वाहें पूरी देकर उनको कुछ ना कुछ और सुविधा दें और पैसे दें, ताकि वो जो कोरोना के जो बीमार हैं उनकी जो सेवाएं कर रहे हैं उसमें वो कोई कुटाई ना करें।